नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। और अब खबरें विस्तार से। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे मध्य प्रदेश कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं को बुधवार को पुलिस के बीच में दोनों के बीच ही काफी जमकर झड़प हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने जो बैरिगेटिंग लगाई थी उसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस को कार्यकर्ताओं के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे आंदोलनकारी तितर बितर हो गए। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस ने भी उनके साथ काफ़ी नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस ने कुछ कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी कांग्रेसियों की खासी भीड़ इकट्ठा हुई थी। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई सीनियर नेता भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सीपी मित्तल समेत पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, राहुल भैया, विधायक सज्जन सिंह वर्मा, पीसी शर्मा समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता उपस्थित रहे।